मुझे चिप्स पसंद है, लेकिन मेरे पास इतना छोटा बॉक्स क्यों है? मेरे पास ज्यादा नहीं है, मैंडी का डब्बा सच्ची में बड़ा है। ओह हाँ, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि अंदर कैसे बड़े चिप्स हैं। केवल बॉक्स खोलना बाकी है। दोस्तों मेरी मदद करो, सिर्फ तभी अगर तुम इसे हमारे साथ बांटोगी। बिल्कुल, बस देखो कि यह कितना सुंदर है। ओह, ऐसा लगता है कुछ मजेदार हमारे लिए इंतजार कर रहा है। वाओ, अरे वाह, यह M&M's है। लेकिन मुझे सबसे छोटी कैंडी मिली और मेरे पास कितना बड़ा है। मेरे पास भी कम कैंडी नहीं है, तो यह मेरे लिए इसे आजमाने का समय है। उच, यह क्या हो रहा है? यह क्या है? क्या हमें इन हाथों से खाना है? मुझे लगता है यह प्यारा है। मैं सहमत हूँ, यह अच्छा लग रहा है। मैं सहमत हूँ, यह एक दिलचस्प चुनौती है। तो ठीक है, मुझे यह पता लगाना होगा कि कैंडी के इतने छोटे टुकड़े को कैसे उठाया जाए। उफ, अगर मैं जल्दी करूँगी तो मैं निश्चित रूप से इसे नहीं उठा पाऊंगी। मुझे सब कुछ धीरे और बहुत सावधानी से करना होगा। ओह नहीं, हाँ लगता है कि हम लंबे समय तक इंतजार करेंगे। खैर मेरी कैंडी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसे बिना किसी समस्या के खा सकती हूँ। लेकिन यह सब नहीं है, जरा इसे देखो, इसके अंदर कितना है। कैंडी को एक ग्लास में डाल सकते हैं और जिसके बाद इसे दूध के साथ मिलाया जा सकता है। जरा सोचो कि मुझे कितना स्वादिष्ट कॉकटेल मिलेगा। मुझे बस इसे अच्छी तरह से हिलाना है। तैयार, यह पीने का समय है। ओह स्वादिष्ट, जैसा मैंने सोचा था। और मुझे भी बहुत बड़ा कैंडी मिला है, इसे उठाना और भी मुश्किल है। आह, लेकिन ये मेरे विशाल हाथों के लिए कोई समस्या नहीं है। उफ, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा है, कैंडी को अपनी मुट्ठी से तोड़ना। आह, मुझे लगता है यह काफी नहीं है, हमें उसे टुकड़ों में बदलने की जरूरत है। चलो करता हूँ। हाँ, अब इसे खा सकता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे हाथ रास्ते में आ जाएंगे। सुनो मैंडी, मेरी मदद करो, तुम्हारे पास छोटे हाथ हैं, तुम इन टुकड़ों को उठा सकती हो आसानी से। एक पुराने दोस्त की मदद क्यों नहीं कर सकते? बोन एपेटिट। ओह बहुत बहुत धन्यवाद। ओह मैं इतनी थक गई हूँ, मैं कब कर पाऊंगी? ओह अरे दोस्तों, मैंने उसे पकड़ लिया। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है ब्रिटनी, आखिरकार हम सभी ने अपने कैंडीज खा लिए है। ओह, इस बार मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पास सबसे छोटी गम मशीन है। लेकिन मेरे पास एक बड़ी गम मशीन है। बड़ी? तुमने अभी तक मेरी मशीन नहीं देखी है। लेकिन सिक्के कहाँ है? ओह लगता है वे यहाँ है। वाओ, मेरी छोटी स्लॉट मशीन के लिए छोटा सिक्का। मुझे बस इन कैंडीज को सावधानी से बाहर निकालने की जरूरत है, वे बहुत छोटे हैं। अपनी उंगलियों से ऐसा करना निश्चित रूप से असंभव है, लेकिन ट्वीजर मुझे यहाँ मदद करेगी। हाँ वाह, मेरा गम बहुत छोटा है लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट है और वे अच्छे बबल्स बनाते हैं। हाँ कूल। लड़कियों अब तुम्हारी बारी है। आसान, मैं आसानी से अपना गम निकाल सकती हूँ, मुझे ट्वीजर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैं जितना चाहूँ उतना सुरक्षित रूप से निकाल सकती हूँ। वाह यह बहुत स्वादिष्ट है। आउच, अब मेरा पूरा चेहरा चिपचिपा है, यह बुरा है। ओह ऐसे मत हंसो, मैं इस चीज को हटा भी नहीं पा रही हूँ, वो मेरे हाथों से चिपक जा रही है। मैंने लंबे समय से कुछ भी इससे बुरा नहीं देखा है। खैर ठीक है, ये मेरे लिए च्युइंगम को खाने का समय है, मेरा तुम्हारे से बहुत बड़ा है।
वे बोलिंग बॉल्स की तरह दिखते हैं। मैं निश्चित रूप से इन्हें एक बार में नहीं खा सकती, उन्हें लंबे समय तक खाना पड़ेगा। मैं सोच भी नहीं सकती कि वे किस तरह का बबल बनाएंगे। चलो ट्राई करती हूँ। बहुत बड़ा, ये बहुत ज्यादा बड़ा है। ओह नहीं, मुझे लगता है हम उसे खो रहे हैं। हेलो, मेरे पास एक आइडिया है। चलो इस गम को उस पर फेंक दे, ये गोली के रूप में काम करेगा और फिर उसका बबल फट जाएगा। चलो, और यह गया। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन अब तुम हमारे पास वापस आ गई हो। ओ नहीं, छोटा न्यूटेला। वाओ, न्यूटेला के साथ क्या गलत है, खासकर जब इसमें बहुत हो। यह पक्का है, मैंने इतना बड़ा जार कभी नहीं देखा। लेकिन जो सबसे कम लकी है वो पहले शुरू करेगा। मैंडी शुरू करो। ठीक है, मैं न्यूटेला को उसके शुद्ध रूप में नहीं खाऊंगी, मैं उसे छोटे टोस्ट पर फैलाऊंगी जिसे मैं अपने छोटी किचन में पकाऊंगी। जरा इसे देखो, ये कितना प्यारा है। और मेरे पास ब्रेड भी है, मैं उसे सेक लेती हूँ। और यह तैयार है। चलो अब इस पर न्यूटेला लगाती हूँ। यह बहुत प्यारा है और बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन ये अच्छा नहीं कि न्यूटेला जल्दी खत्म हो गया। इथन, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, सच में मैं लकी हूँ क्योंकि मेरा न्यूटेला सिर्फ बड़ा नहीं है, यह रास्पबेरी फ्लेवर का भी है। क्या तुम जानती हो न्यूटेला खाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अपनी उंगली से। चम्मच की जरूरत क्यों है, मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। रुको, देखो पूरा हाथ डालता हूँ। ओह, अरे नहीं, मेरा हाथ। मैंडी, मुझे मदद चाहिए, मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, यहाँ एक साधारण चेनसॉ काफी होगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है चेनसॉ? यह सिर्फ हाथों से हो सकता है। ओह धन्यवाद। मैंडी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। खैर ठीक है, ब्रिटनी अब तुम्हारी बारी है, चलो इसे खाते है। अपने हाथों से न्यूटेला खाने से बेहतर कोई तरीका नहीं है, हालांकि मेरे पास बहुत है। बहुत अच्छा। असल में मैं यहाँ एक करछुल का उपयोग कर सकती हूँ। चलो अब इसे खाती हूँ। वाह, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें पता है मुझे एक करछुल की भी जरूरत नहीं है, एक बेहतर आइडिया मेरे पास है। वाह, यह अजीब है, तुम्हारे चेहरे पर न्यूटेला है। तो क्या, तो अब मैं भी स्वादिष्ट हूँ। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखना सुनिश्चित करें कि आज की कौन सी ट्रीट आप आजमाना चाहेंगे। यह और भी मजेदार होने वाला है।